आप सभी को स्वागत है एक और बार हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आज हो गए आमना सामना भारत बनाम श्रीलंका की। और आज एशिया कप 2022 की सुपर फोर की एक और मुकाबला हो रही है। इस वक्त श्रीलंका काफ़ी मजबूत स्थिति पे है। पिछले सुपर फोर मैच में श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच में श्रीलंका एक अच्छे रन चेस करके मैच को जीत लिया था। और दूसरी छोर से भारत बनाम पाकिस्तान थी 4 तारीख को संडे को, और भारत ने उस मैच पे तो हार गई थी बुरी तरीके से। और भारत के पास अभी भी 2 चांस है आज श्रीलंका के साथ, उसके बाद 8 तारीख को अफगानिस्तान के साथ। अगर ये 2 मैच जीते तो भारत के पास 1 चांस होगी फाइनल में जाने की। और एक और बार शायद आप सभी को देखने को मिलेगा भारत बनाम पाकिस्तान की शायद फाइनल हो, थर्ड राउंड भी हो सकता है। पर आज भारत बनाम श्रीलंका की मैच हो रहा है, इस वक्त लाइव ऑनलाइन भी हो रहा है और मेरा भी मैच यहाँ पे शुरू करता हूँ। और आज के टीम मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 20 ओवर के मैच और ये कर देता हूँ मीडियम पे और सब कुछ सही है। पर नहीं है पर तो थोड़ा सा टाइमिंग को चेंज कर देते हैं, इवनिंग नहीं डोज के टाइम रख देते हैं। और आज के जडेजा इंजर्ड हो गए थे, इसलिए जडेजा की जगह पे हम लोग एक और बैट्समैन को खिलाएंगे हम लोग दिनेश कार्तिक को। और यहाँ पे चक्रवर्ती की जगह पे तो चहल को खिलाएंगे। चहल भैया किधर है तुम? चहल भैया किधर है बाबा? यस चहल भैया को मिल गया। तो ये रहा हमारा टीम, अभी भी नहीं आवेश का, नहीं है और दीप, तो हमको नहीं है दीपक हुडा, नहीं है रवि बिश्नोई, तो हमको ऐसे ही टीम बनाना पड़ता है। क्या करूँ, अभी भी कोई अपडेट नहीं आया, कोई चेंज नहीं किया RC22 वालों ने। तो चलो शुरू करते मैच। और तुम लोग भी लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इंडिया के तो लाइक बनता ही। और यहाँ पे मैं, हमको पता नहीं कौन कौन है या फिर कौन नहीं है, तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ और शुरू करता हूँ यहाँ पे मैच को। तो शुरू हो गया है यहाँ पे स्टेडियम पे, आप सभी लोग देख सकते हो पूरा कचा काच भरा है स्टेडियम। और ये दुबई का नहीं है, ये मुंबई का स्टेडियम है। दुबई का स्टेडियम अनलॉक नहीं हुआ अब तक, उनको बाई करना पड़ेगा और मेरा उतना भी बाई तो नहीं कर पाएंगे भाई, एक बार के लिए कौन बाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे ही खेलूँगा मुंबई पे। और ये आज का पिच रिपोर्टिंग, मैंने तो डिफ़ॉल्ट पिच रखा, हार्डी पिच रखा है और देख सकते हो कोई भी घास भूसा नहीं है पिच के अंदर, एकदम सपाट सा पिच है, अच्छे से बल्ले पर गेंद आना चाहिए। और ये टॉस का टाइम, श्रीलंका एक कप्तान टॉस को ऊपर उठाएंगे और मैं लूँगा हेट, शायद आज जीत जाए भाई, पिछले 3 मैचों में नहीं जीता और आज जीत गया है। और तो आज मैं जीतूंगा तो मैं बल्लेबाजी का नहीं सिद्धांत लूँगा, क्या फिर गेंदबाजी करूँ, गेंदबाजी ले लेता हूँ, चेस करके जीतूंगा करने का फैसला किया है। और देखूंगा क्या इस मैच को जीत पाऊंगा या नहीं। जो आज मैदान में उतरेंगे और श्रीलंका भी कितना अच्छे खेलते हैं ये भी हमको सब कुछ पता ही चल जाएंगे। और आप भी लाइक कर दो, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, 2000 सब्सक्राइब के करीब है एकदम, 2000 सब्सक्राइब हो जाए तो जोलो चीफ का चैलेंज करेंगे। और ये रहा हमारे टीम, आज के टीम पर लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद स्वामी, चहल, जसप्रीत बुमराह, 4 पेस बॉलर के साथ। और यहाँ पे दोनों देशों की राष्ट्रगान हो रही है इस वक्त, श्रीलंका की पहले।
और ये थोड़ा इंडिया की नेशनल एंथम। दोनों देशों की राष्ट्रगान हुआ है यहाँ पे समाप्त। तो शुरुआत करते हैं इस बॉलिंग गेंदबाजी करने को, और ये दोनों अंपायर वापस आती हुई एक और बार नया मैच की शुरुआत करते हैं अंपायर दोनों। और ये भारतीयों की टीम फील्डिंग करने मैदान पे उतर चुकी है, और ये आ गई श्रीलंका की ओपनिंग साझेदारी दोनों बल्लेबाज। और भुवनेश्वर कुमार शुरुआत करेंगे यहाँ पे पहले गेंदबाजी। तेज गेंदबाज को एक छोर से लगा दिया है मैंने, आज तो सेव एक ही स्पिनर है हमारे पास। और यह है पेरेरा, कुशल पेरेरा, विकेट कीपर बैट्समैन, स्ट्राइक रेट 131 की, सर्वाधिक स्कोर 84 की। तो चलो शुरुआत करते हैं इस सुपर फोर की एक और मैच को, जो कि है भारत बनाम श्रीलंका की। और पहला बॉल हमेशा की तरफ मैं ही, सबको मालूम है, जिन जिन लोग हमारे वीडियो देखते हैं सबको मालूम है मैं यॉर्कर स्पेशलिस्ट हूँ और यॉर्कर पे ही बॉल चलता रहता हूँ। और पहला बॉल पे मिल गया है एक रन आसान सा, और ये भी डायरेक्ट हिट करने का वालों कभी चुकते नहीं। और दूसरे छोर से दूसरे स्ट्राइक पर आ गया दूसरे छोर की बैट्समैन, इतना कोई भी नहीं, सब कुछ जीरो ही है भाई। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की भुवनेश्वर कुमार की, पहला ओवर की दूसरे बॉल, विराट कोहली सामने एकदम, और ये पीछे की तरफ खेल दिया है। क्या दो रन मिल जाएगी आसान से? यस, दो रन मिल गए बल्लेबाज को। दो बॉल पे आ गया है तीन रन, और ये इस ओवर की तीसरे बॉल, और ये आपके सामने एकदम उम्दा यॉर्कर, कोई मिस नहीं यॉर्कर पे। और ये एक अच्छे तरह से डिफेंस कर दिया है बल्लेबाज ने वहाँ पे काफी संभल कर। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन के लिए खेल दिया, मिल जाएगी एक रन आसान सा। चार गेंदे हो चुके, चार गेंदों में चार ही रन आया है अब तक। और ये देखो भाई, पहले ओवर से ही यह पानी पीना शुरू कर दिया है इन लोगों श्रीलंका वालों ने। और मैं साइड का परिवर्तन करूंगा, दूसरी छोर से डालूंगा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को। और ये चलो पांचवी बॉल इस ओवर की, रूम बनाया, उठा दिया है पीछे फील्डर है, एक रन मिलेगा, चाल है फील्डर वहां पे, एक ही रन। और काफी बाहर थ्रो किया था, अच्छे से पकड़ लिया, नहीं तो बाइक के चार रन मिल जाते। और ये एक और बॉल ओवर की आखिरी बॉल, और ये भी डॉट के साथ समाप्त किया। पहला ओवर से आया है पांच रन श्रीलंका की। और ये देखो दोनों बल्लेबाज थोड़ा रणनीति बना रही है इस वक्त।
पहला ओवर की हुआ समाप्त, उसके बाद दूसरे ओवर की शुरुआत करूंगा सामी के साथ। अब तेज गेंदबाज अटैक में और ये सामी आ गया है दूसरे छोर से, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। इस ओवर की पहला बॉल सामी की और ये आपके सामने और ये पीछे की फाइंडर की तरफ खेल दिया है, एक रन के लिए मिल भी जाएगा और ये फिर से डायरेक्ट काई के लगा था बाबा तू तो घुस गया, ये कीपर भी पकड़ते नहीं है बॉल को। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की यहाँ पे भी मिल गया है एक रन। स्ट्राइक रोटेशन आज श्रीलंका बहुत अच्छे कर रहा है, अब तक 7 रन बनाया वो भी सिंगल के द्वारे, एक दुक्का आई थी। और ये इस ओवर की तीसरे बॉल, अब तक 2 बॉल पे 2 सिंगल आ चुके हैं और ये तीसरे बॉल पीछे की तरफ लगा दिया है, क्या पकड़ लेंगे, और एक आसान सा कैच, कुशल परेरा हुआ है आउट और सामी को मिला है पहला सफलता, श्रीलंका का लगा है पहला झटका, काफी खुश। और ये 3 रन बनाकर आउट हो गया 4 गेंदों खेलकर, भुवनेश्वर कुमार थे वहां पे फील्डिंग फील्डर के द्वारा और एक आसान सा कैच को पकड़ लिया था, थोड़ा सा रूम परिवर्तन किया था मैंने और एक आसान सा कैच भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। बल्लेबाज को बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 7 विकेट में पहला विकेट गिर गया है श्रीलंका की, सलाम का आया है असलम का, ये भी 0-0 का ही है बाबा, अब तक कोई मैच नहीं खेला इसलिए। और ये इस ओवर की चौथे बॉल, थोड़ा रूम बनाया और डिफेंस कर दिया है फील्डिंग की तरफ, कोई रन नहीं डॉट गेंदे, इसको भी ऑफ क्वार्टर दूंगा थोड़ा सा बाहर जाती बॉल को, ये 5वीं बॉल इस ओवर की और ये भी डिफेंस कर दिया स्टेप आउट करके। आखिरी बॉल इस ओवर के, अब तक 2 रन और 1 विकेट आ गया है इस ओवर में और आखिरी बॉल पे देखूंगा कहां पे मारते हैं बल्लेबाज। और ये एकदम काफी स्लो बॉल इस वक्त दे रहा है और ये भी डॉट और यहां पे मिस फील्ड के द्वारा एक और रन मिल गया है, केएल राहुल थे फील्डर वहां पे और उनको मिस फील्ड, भाई भारत बहुत मिस फील्ड करता है ऐसे पोजिशन में, इनको कोई सलूशन है या नहीं है हमको नहीं पता भाई, बहुत मिस फील्ड करता है। और 2 ओवर के समाप्ति, 2 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर है 8 रन के बाद 1 विकेट और भुवनेश्वर कुमार को एक और बार लेकर आऊंगा मैं, और ये दूसरे बॉल इस ओवर की और आप लोग भी लाइव का देख सकते हो ओवर की अंत में हम लोग देते रहेंगे। और ये 2 रन निकाल लिया है बल्लेबाज ने, काफ़ी बाहर थ्रो किया था कीपर ने जाकर पकड़ ली। स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनंद। और तीसरे बॉल इस ओवर की और ये भी एक रन मिल जाएगी, रोहित शर्मा है फील्डर वहां पे। श्रीलंका एक और बड़ा आ जाएगा पे, थोड़ा साइड परिवर्तन किया करने का निर्णय। और ये चौथे बॉल इस ओवर के, अब तक 3 रन आया है इस ओवर में और ये भी डिफेंस कर दिया है फील्डिंग की तरफ, कोई रन नहीं डॉट गेंदे, 4 बॉल हो चुके हैं, 4 बॉल पे आया है सिर्फ 3 रन 2 डॉट गेंदे। और ये इस ओवर की 5वीं बॉल, थोड़ा पावर दिया है मैंने बॉल की और ये भी डॉट खेल दिया है फील्डर की तरफ, 5 बॉल हो चुके हैं इस ओवर में, अब तक आया है 3 रन। गेंदबाजी को खेलना पसंद करते हैं ये बल्लेबाज, सर रिवर्स स्विंग दू तो
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया इस ओवर के आखिरी बॉल पे और ये कवर की तरफ खेल दिया भाई साहब। हार्दिक पांड्या थे वहाँ पे, नहीं तो शायद चौका उठी जाती। और ये तीन ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के बाद स्कोर है 11-1। अभी भी असल अंक कोई रन नहीं बनाया, तीन बॉल खेल लिया है। और शमी को लेकर आऊँगा दूसरी छोर से। करन रांडे 3.67 की चल रहा है इस वक्त करते हुए राउंड द विकेट, अब गेंदबाजी करेंगे। और ये पहला बॉल शमी की इस ओवर की, पहले ओवर से तीन रन दिए थे और एक महामूल्य विकेट भी। और ये पहला बॉल डॉट के साथ ओवर का शुरुआत किया है शमी ने। यहाँ पे काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स खेलना। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी डॉट से ही ठिकाना पे बॉल गिर रहा है इस वक्त। और बैक टू बैक दो गेंदों में दो डॉट बॉल खेला है बल्लेबाज ने। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, क्या उठाकर मारेगी या फिर डॉट खेलेंगे? और ये एक और बार डॉट खेली, बैक टू बैक तीन गेंदों में तीन डॉट। अरे भाई तुम ऐसा मत हाथ हिलाओ, तुम अच्छे से फील्डिंग करो बेटा, एक्सरसाइज करता है और बाद में एकदम गद्दारी का है। और ये पीछे की तरफ खेल दिया है, चार रन मिल जाएगी। फन लाइक पॉइंट लेग ऊपर था, इसको मालूम था भाई ये मारेगी इस बॉल पे, जस्ट बॉल को दिशा दिखा दिया और मिल गया है चार रन इस ओवर पे। चार रन आया है चार गेंदों में। और ये भी पीछे की तरफ खेल दिया है, क्या चार रन मिल जाएगी या फिर नहीं? दो रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। छह रन आ चुके हैं इस ओवर में। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये एक रन। और ये ओवर थ्रो के चलते मिल गया है एक और चार रन भाई। कोई जरूरत नहीं था इस बॉल को, कोई जरूरत नहीं था इस बॉल को। और ये देखो इन लोगों ने एक चार मुफ्त के दे दिया है, कोई पॉइजन नहीं था। कोई भाई कौन है फील्डर वहाँ पे अहमक की तरह? शायद के राहुल है फील्डर। कोई भाई क्या 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 बता इन लोगों को भाई, इतना गुस्सा थे मैं लगता है इन लोगों को खिलाऊंगा ही नहीं। तेज गेंदबाज को लाया गया है दूसरे छोर की तरफ, फील्डिंग करता है इतना जोर। गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट, अब गेंदबाजी करेंगे। और ये जसप्रीत बुमराह की पहला बॉल, और ये फाइन लेग की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए, मिल भी जाएगा। और ये भाई देखो ये सभी लोग डायरेक्ट हिट लगाता है, और जब काम का हो तब नहीं लगाएंगे। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए, मिल भी जाएंगे। खाता भी खोल लिया है असल अंकर ने, फिर वे साइड में परिवर्तन। गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट, अब गेंदबाजी करेंगे। तीसरे बॉल इस ओवर की, अब तक दो बॉल पे दो रन दिया है बुमराह ने। और ये एक और रन, स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं। तीन बॉल पे तीन रन। और ये आज के कमेंटेटर जो आपके सामने गुप्तगू कर रहे हैं इस वक्त कमेंट्री छोड़कर आपस में, फिर से एक और बार साइड के परिवर्तन। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय, और थोड़ा रूम पावर दिया इस बॉल पे, चौथे बॉल है ये। और ये कहां पे मारने गई और कहां पे गया रहा भाई, पकड़ ले मेरा दोस्त। गोदी तो इतनी था नहीं, तीन रन ही मिलेंगे फिर भी। दो रन से संतुष्ट रहना चाहिए तो
रखो भाई, मैं होता तो 3 रन ले लेते। और ये रही पांचवी पौड़ी इस ओवर की, और ये भाई क्या बॉलिंग डाला है बुमराह ने, एकदम डिफेंस और डॉट गेंदे भी उसके साथ साथ काफी संभल कर। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, अब तक 5 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और ये आखिरी बॉल पे फाइनल की तरफ खेल दिया है, 4 रन मिल जाएगी। 108 श्रीलंका की बल्ले से आया है ये 4 रन इस बार, और श्रीलंका काफ़ी मजबूत स्थिति पर पहुंच गया है इस वक्त, लगता तो है ऐसा ही। और ये 5 ओवर की खेल हुआ समाप्त, और ये 4 रन देख ही लो, सेफ टाइमिंग कर दिया है। और फाइनल की फील्डर खड़े खड़े देख रहे थे बॉल जाने के बाद, ये देखो दौड़ रहे कैसा, गुस्सा आ गया भाई गुस्सा। 5 ओवर के बाद 31 पे 1, और ये पावर प्ले की अभी 1 ओवर बाकी है। और यहाँ पे मैं सभी को 2-2 करके ओवर करा दिया हूँ, और जसप्रीत बुमराह को सेव एक, तो हार्दिक पंड्या को मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो और कोई बॉलिंग ऑप्शन नहीं, और इसको मैं फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन पे लिया है तो इसको ही बॉल करना पड़ेगा। और करेंट रनडेट 6.20 की, और ये 1 रन आसान सा पहला बॉल पे ही ले लिया है बैट्समैन ने यहाँ पे, उसके साथ 22 रन पे पहुँच गया निशाना का। और श्रीलंका 7 रन पे खेला इस वक्त, और ये दूसरे बॉल हार्दिक पांड्या की, और ये पावर प्ले के आखिरी ओवर चल रहे भाई, और ये डॉट एकदम डिफेंस कर दिया है फील्डर की तरह। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, तीसरे बॉल है ये इस ओवर की, और ये भी डॉट फील्डर्स के बीच के गैप ढूंढने में नाकामयाब यहां बल्लेबाज। और ये देखो भाई, इसको मैं जब जब देखता हूँ मुझको लगता है एक फटका दूं। देखना होगा क्या गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद की कोशिश करेंगे इस पे। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, और ये भी पीछे की तरफ खेल दिया है, और एक ही रन मिलेंगे इस बार। ज़्यादा जोर से दौड़ा और बॉल को रोका, और एक और बस साइड की परिवर्तन, गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट, अब गेंदबाज थोड़ा पावर दिया इस बॉल पे। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, और ये गैप में खेल दिया है 1 रन के लिए। अब तक 5 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं इस ओवर में, फिर से एक और बस साइड का परिवर्तन, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये भी डिफेंस कर दिया है, कोई रन नहीं डॉट। एंड पावर प्ले भी समाप्त हुआ, यहाँ पे चलेंगे ड्रिंक्स ब्रेक। तो आप लोग कर दो लाइक, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो कर दो सब्सक्राइब, 2000 सब्सक्राइब के करीब है, जितनी जल्दी हो सके तो 2000 सब्सक्राइब कर दो। अगर जोलो चिप का चैलेंज देखना चाहते हो तो कैसा हालत होता है जोलो चिप खा कर मेरा, आप सभी को देखना है तो जल्दी जल्दी 2000 सब्सक्राइब कर देना चाहिए भाई लोग, और इंडिया के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है इस बॉल पर। और ये 6 ओवर की हुआ खेल समाप्त, 6 ओवर के बाद स्कोर है 34 पे 1। यहाँ पे बॉलिंग का मैंने चारों विकल्पों तो ले लिया है एक ही छोर से, और अब तक महंगा तो सिर्फ समी है, 14 रन खाया है अपने दौड़ पे, पर उन्होंने एक विकेट भी लाकर दिया भारत की झोली पे। और बुमराह के एक और ओवर के लिए लाते हैं, एक ही ओवर हुआ है पावर प्ले के अंदर, एक ही ओवर डाला है तो एक और ओवर देते हैं। साइड चेंज करते हुए, और ये इस ओवर की पहला बॉल बुमराह की, और पहला बॉल एकदम उम्दा लड़का, और डॉट गेंदे के पास। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये 1 रन मिल जाएगी आसान सा भाई, सही से थ्रो करो नहीं तो एक और चौका चली जाएगी, और फिर से साइड का परिवर्तन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय,
और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, रूम बनाया बल्लेबाज ने पर डिफेंस खेल दिया है, कोई रन नहीं। और ये क्या मैंने क्या बताऊँ यार, तुमको देखता ही मैंने इतना गुस्सा, तुम पहला नंबर का कैसा दिखाएगा, तुमको पहला नंबर ना ही नहीं है। खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। और ये देखो इस ओवर की चौथे बॉल, और ये कवर की तरफ खेल दिया है पर हार्दिक पांडे है वहाँ पे, कोई रन नहीं। और ये इस ओवर की पांचवी बॉल, और ये एक रन आसान सा, अब तक पांच गेंदों में दो रन आया है इस ओवर में। और एक और बार फिर से साइड चेंज करते हुए, और आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये रूम बनाया स्टेप आउट किया एक रन के लिए, और मिल भी जाएगी एक रन आराम से। और सात ओवर हुआ है समाप्त, सात ओवर के बाद स्कोर है 37-1। यहाँ पे हार्दिक पांड्या का एक और ओवर लगाता है एक छोर से, गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट, अब गेंदबाजी थोड़ा सा बाहर हो गई तो मैं इसको कटर दूंगा, देखूंगा क्या ये मारते हैं क्या नहीं। और ये पहला बॉल इस ओवर के पीछे की तरफ खेल दिया है, मैंने तो पता था भाई इतना जाएगी तो पीछे की तरफ ही खेलेंगे, फाउंडर की तरफ ही खेलेंगे। फिर से साइड को नया परिवर्तन, और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी डॉट गेंद है भाई, विकेट कब गिरेगा बाबा, सात ओवर की मैच हो गई अब तक एक विकेट गिरा है सर। काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, संभल कर मैंने बहुत ही ज़्यादा संभल कर खेल रहा है इस वक्त श्रीलंका वालों ने। और ये देखो दूसरे बॉल पे मिल गया है सिंगल, भाई ये एक सिंगल बहुत अच्छे लगा रहा है, एक दो करके बहुत अच्छे सिंगल बार कर रहा है इस वक्त। और ये देखो इनको पानी देखूंगा ही नहीं, तो पानी है क्या, तुझको मैं देखूंगा ही नहीं भाई। और ये तीसरे नहीं चौथे बॉल इस ओवर की, अब तक दो रन आया है इस ओवर में, और अपील किया है क्या विकेट मिल जाएगी यहाँ पे, और अंपायर ने उंगली उठा दिया है, क्या रिव्यू के लिए जाएंगे, क्या भारत को मिलेगा दूसरे सफलता, क्या झटका लगेगी श्रीलंका की, क्या रिव्यू के लिए जाएंगे यहाँ पे, और रिव्यू भी ले लिया है, क्या रिव्यू में आउट है या फिर नहीं है भाई, चेकिंग करेंगे, नो बॉल तो नहीं है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं उतना फास्ट बॉल नहीं करता जो नो बॉल होगी। और ये थोड़ा सा इंपैक्ट मुझे तंग कर रहा है, क्या इंपैक्ट है या नहीं, इंपैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन, विकेट तो हिटिंग है भाई, यस। और रिव्यू ने गवा दिया है श्रीलंका ने यहाँ पे, और दूसरे छटका लगी श्रीलंका को, मैंने इस ओवर में ही कहा था भाई कब विकेट गिरेगा, आप देखो हार्दिक पांड्या ने एक विकेट, और ये समय का निशान का आउट हुआ है भाई, 26 रन बनाया 26 गेंदों खेलकर, और LBW भाई हार्दिक पांड्या सबस फर्नांडो आया है नया बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट 94 की सर्वाधिक स्कोर 37 T20 आइस में 32 मैच खेला है, ये कप का आंकड़ा है ये तो हमको नहीं पता भाई, पर आंकड़ा तो है ऐसा ही मान लो। और स्टेज मैच हो गया भाई तुम्हारा, चलो शुरुआत करते हैं, अब तक दो रन आया है चार गेंदों में, दिखा रहे हैं और एक विकेट, महामूल्य विकेट। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की हार्दिक पांड्या का, और ये पीछे की तरफ खेल दिया है फाइन लेग की, एक रन मिल जाएगी फाइन लेग की तरफ से। साइड में परिवर्तन, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, अब तक तीन रन आया है, और
ये भी थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए और मिल भी जाएगा। और भाई क्या बताओ भाई, ये इंडिया क्या हो गया भाई, कैसे एकदम फालतू का फील्डिंग कर रहा है। दो मिस फील्ड किया, एक ओवर थ्रो में चार दिया, भाई क्या बताओ, ऐसा फील्डिंग भाई किसी ने नहीं किया, भाई किसी ने नहीं किया। और यह 8 ओवर हुआ समाप्त, 8 ओवर के बाद 42/2। और यहाँ पे वक्त है स्पिन की, तो स्पिनर को लगाएंगे यहाँ पे, चहल भैया को लेकर आया है स्पिन बॉल कराने के लिए। और गूगली के साथ शुरुआत करेंगे यहाँ पे मैं, और ये पहला बॉल इस ओवर की उठाकर लगा दिया है, पीछे फील्डर है, एक रन मिल जाएगी आसान से। पहला बॉल पे ही बल्ला का उठा दिया है, आप मजा आएगी भाई। और दूसरे बॉल भी मैं गूगली दूंगा, और ये भी एक रन मिल जाएगी, तो बॉल पे दो रन चहल की इस ओवर में। और ये तीसरी बॉल इस ओवर की, रूम बनाया, उठा दिया है बहुत ऊपर और मिलेगा 6 रन। भाई क्या बताओ, 6 लगा दिया। और ये मैच के पहला छक्का इस इनिंग्स के भी, और ये फर्नांडो ने लगाया आते ही, विश्वास भरा शॉट था ये, आता शिवाजी की तरफ खेल रहा है इस बार। स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए क्रीज का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं ये। और ये चौथे बॉल इस ओवर की सिंगल लेकर एक रन, पहला ओवर पे ही अब तक 4 गेंदों में 9 रन दे दिया है चहल ने यहाँ पे। थोड़ा चहल महंगा साबित हो रहा है इस बार। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, और ये इतने बाद डॉट आया है, सावधानी से खेलते हुए काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज। इस पर लेग स्पिन दे रहा हूँ आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये भी थर्ड मैन की तरफ खेल गया है एक रन के लिए और मिल भी जाएगा एक रन। भाई गलती मत करो तुम लोग इतना। और ये देखो ओवर की समाप्ति भी हो गया, और 9 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर है 52/2, 50 रन भी श्रीलंका की पूरा हुआ। तो यहाँ पे मैं विराट कोहली को एक बार लाऊंगा, व्यक्ति तेज गेंदबाज है, मुझे तो लगता है स्पिनर है, पर ये तेज गेंदबाज कब से बन गया। और इसको तो सिर्फ एक ही बॉल है भाई। ओके भाई आने दे, भाई आने दे, भाई बॉल करने दे। और पहला बॉल पे डॉट किया है विराट कोहली ने यहाँ पे, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन मिल जाएगी आसान सा। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन मिल जाएगी आसान सा। लेफ्ट राइट जब हो रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस बॉलिंग को लेंथ में लगाना। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, ये भी फाइनल की तरफ खेल दिया है, मिल जाएगी 4 रन। सेफ दिशा दिखा दिया है असलंका ने, और 4 रन मिल गया। बल्लेबाज को यहाँ जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, 6 रन खा गया अब तक 4 गेंदों में। और ये भी शायद एक रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेंदबाजी कर। क्या विकेट मिलेगा भाई, मिल जा भाई मिल जा, विकेट मिल नहीं मिलेगा भाई, 4 रन मिलेगा, 4 रन, एक और बड़ा ओवर।
श्रीलंका की दृष्टिकोण में। और ये 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के बाद 63/2। बहुत मारा भाई, बहुत मारा। चहल को एक और बार लाता हूँ यहाँ पे। चहल ने 10 रन खाया, विराट कोहली भी 11 रन खाया। भाई आज का बॉलर का दिन ही नहीं है शायद भारत की। जब ये मारना शुरू करते और ये पहले टॉप स्पिन के साथ जाऊंगा इस पर। और ये पहला बॉल इस ओवर की एक रन के लिए खेल पड़ी और मिल गया एक रन। काफी सरलता से खेला था ये शॉट पर सीधा फील्डर के पास। फिर से साइड में परिवर्तन, गेंदबाज और ये दूसरे बॉल इस ओवर की। और ये भी एक रन, दो बॉल पे दो रन इस ओवर में अब तक। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, कैच पकड़ लिया है, कैच हार्दिक पांड्या है वहां पे, कवर की तरफ खेल तो गई, एक कैच ले लिया भाई, हाफ चांस है वहां पे कैच को। और एक और सफलता मिल गया है भारत को यहां पे, श्रीलंका हुआ है आउट। 21 रन बनाए हैं 26 गेंदों खेलकर। और हार्दिक पांड्या ने कैच को पकड़ लिया, हाफ चांस है वहां पे, और एक आसान सा कैच पकड़ लिया है। चतुर गेंदबाजी, शायद पहले अनुमान लगाया था कि इस तरह का शॉट खेलेंगे बल्लेबाज। श्रीलंका नया बल्लेबाज। गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे। और ये चौथे बॉल इस ओवर की चहल की, और ये पीछे की तरफ खेल दिया है, और एक और विकेट का पतन हो गया है। बैक टू बैक दो बॉल पे दो विकेट, श्रीलंका आए और श्रीलंका गए। इसके साथ चौथा झटका लगी और ये गोल्डन डक टू गॉन श्रीलंका। कैच भाई जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया है ये कैच को, और ये लेफ्ट शॉट खेलने गई और एक आसान सा कैच दे दिया बुमराह की हाथों में। और फील्डर को कैच, और एक और कैच, एक और विकेट का पतन हो गया। राजपक्सा नया बल्लेबाज के रूप में आया है, और क्या हैट्रिक होगी यहाँ पे चहल की, अब तक तो नहीं हुई, क्या हो गया आज हैट्रिक। और ये हैट्रिक बॉल, और नहीं होगी भाई, चार रन मिल गया। हैट्रिक पे जले पे नमक देते हुए हैट्रिक पे, हैट्रिक बॉल पे लगा दिया है चार रन इन भाइयों ने। और ये एकदम आसान सा थर्ड मैन फाइन लेग के ऊपर थे, और अरे फाइन लेग है भाई, तुम तो देखेगा ही नहीं रिप्ले। जब ये मारना शुरू, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, अब तक 6 रन आया है इस ओवर में, पहले ओवर से काफी अच्छे। और ये भी एक रन, सात रन आया है इस ओवर में, और आया है दो महामूल्य विकेट। और ये हुआ 11 ओवर की समाप्ति, 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 70/4। यहाँ पे मैं क्या सूर्या कुमार यादव के एक ओवर करने के लिए ले रहा हूँ। ये भी तेज गेंदबाज है भाई, है भी तेज गेंदबाज है, मैं ही सिर्फ स्पिनर हूँ क्या, मुझे चाहिए स्पिनर, ये सब तेज गेंदबाज आके। और ये वाइड बॉल हो जाएगी शायद, नहीं रूम बना है और डॉट खेल गया है। इस ओवर की दूसरे बॉल, और ये मिल जाएगी दो रन शायद से, और यस दो रन की प्राप्ति होगी यहाँ पे। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की,
और ये भी क्या चार रन, नहीं चार तो नहीं मिलेगा, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तीन गेंदों में अब तक तीन रन आ चुके हैं। तू भाई जाब निकाल यहाँ से, साले फर्नांडो है अब तक भी क्रीज में। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, और यहाँ पे भी मिल जाएगी एक रन। और ये भाई क्या बताओ तुमको बाबा, एक अच्छे ओवर चल रहे थे भाई, भैंस की आंख की तरफ ये देखो भाई, क्या बताए, दिल में दर्द होता है भाई, दिल में दर्द होता है, इतना जल्दी क्या है भाई, कोई जरूरत नहीं था। रोहित शर्मा है क्या फील्डर वहाँ पे? अरे देखो ये है, ऐसा हाथ हिला रहा है, शेर गर्म हो जाते हैं ऐसा दिखता है तो। और ये भी लगाएंगे एक और शॉट, आठ रन दिया है इस ओवर में, और ये कवर की तरफ खेल दिया, गैप में खेला है बल्लेबाज ने, दो रन, और ये तीन रन की दौड़ लगाई, मिल भी जाएगा तीन रन। ग्यारह रन आ चुके हैं इस ओवर में, पांच गेंद में, अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर में। गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये डॉट के साथ हुआ समाप्त। क्वालिटी डिफेंस बल्लेबाज द्वारा, डॉट के साथ हुआ था शुरुआत और डॉट के साथ हुआ है समाप्त। और ये 12 ओवर की खेल हुआ समाप्त, 12 ओवर के बाद 81 पे 4, और चहल का मैं एक और ओवर लाऊंगा यहाँ पे, पिछले ओवर काफ़ी अच्छे गया था चाल की दृष्टिकोण से, तो इसलिए एक और ओवर लाया हूँ। और ये इस ओवर की पहला बॉल, और ये रूम बनाया और कर दिया है डिफेंस, उम्दा डिफेंस। काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की चाल के द्वारा, और ये भी कवर की तरफ खेल गया है, फील्डर के पास खेल दिया है, ये भी डॉट गेंद दे में असमर्थ। बल्लेबाजों को बाउंड इस बार लेग स्पिन दे रहा हूं, क्या करें ये देखने वाली बात होगी। तीसरे बॉल इस ओवर की, ये भी डिफेंस शॉट पर सीधा फील्डर के हाथों में, ये पिच मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्लेबाज। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, और ये एक रन मिल जाएंगे इस ओवर पे, अब तक एक रन आया है चार गेंदों में। गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेंदबाजी करेंगे। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन मिल जाएगी, दो रन आ चुके हैं पांच गेंदों में। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, उठा दिया है, क्या कैच पकड़ लेंगे? नहीं, तीन रन दिया है इस ओवर में, काफी अच्छे किफायती ओवर गया है भारत के दृष्टिकोण से, और से तीन रन दिया है इस ओवर में चहल ने। और 13 ओवर की खेल हुआ है समाप्त, 13 ओवर के बाद स्कोर है 84 पे 4। और ओरिजिनल पे तो तुम लोग देख ही सकते हो, मैं तो लाइव स्कोर दे रहा हूँ हर ओवर की एंड में, और मैंने आज बहुत सारे गेंदबाज को इस्तेमाल किया है, आज सातवीं गेंदबाज को मैं इस्तेमाल किया है, जो कि है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, दोनों ने एक एक ओवर डाला और 11-11 रन खाया भाई, बहुत रन खाया आज, पर रन इतना नहीं, पर सभी लोग बहुत रन खाया है। तो यहाँ पे मैं एक ओवर जसप्रीत बुमराह को दूंगा। गेंदबाजी में बदलाव, तेज गेंदबाज वापस आते हुए, शायद यहाँ से एक विकेट दिला दे तो बहुत ही आभारी होऊंगा यहाँ पे।
और ये पहला बॉल इस ओवर की लेफ्ट शॉट लगाया, मिल गया है 6 रन भाई, क्या लगाया है लेफ्ट शॉट। गिवा स्वीप भाई देखूंगा नहीं ऐसा शॉट, मैं देखूंगा देखता नहीं भाई, देखता नहीं ऐसा शॉट। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की ये भी 6 भाई, ये तो बहुत ही माइंड सॉफ ही हो गया भाई मेरे साथ, बहुत ही नहीं सभी भाई, बहुत ही नहीं सभी। 2 बॉल पे 2 छक्का लगा दिया है, क्या तीसरे बॉल लगाएंगे? तीसरे बॉल इस ओवर की और ये पिच की तरफ खेल दिया है 4 रन भाई, बहुत महंगा भाई। जसप्रीत बुमराह को मैं लाऊंगा ही नहीं दूसरे बार, इस इनका 3 ओवर होके ये यहीं पे एंड कर दूंगा। पिच पे गर्मा गर्मी, बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बहस चल रही है, कप्तान को परिस्थिति संभालनी होगी। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, आई होप ये नहीं मारेंगे आई होप क्या, और नहीं मारा, बहुत ही अच्छे 103.5 की कड़ी जा गया भाई। और ये देखो इस ओवर की 5वीं बॉल, अब आर फिर से लेवा स्वीप लगाया है, पर इस बार कैच पकड़ लेंगे, बहुत मार रहा था राजपक्षा बार, इस बार बुमराह ने चल चली और हो गया है बल्ले बल्ला, भारत को मिल गया है एक सफलता और राजपक्षा आउट हो गया 29 रन बनाकर 16 गेंदों में। और भुवनेश्वर कुमार ने कैच को पकड़ लिया है इस बार, और ये विकेट देखो भाई तुम लोग रिप्ले में, इनको भी फंसाया। और ये आसान सा कैच भुवनेश्वर कुमार के लिए, बल्लेबाज को। और ये अभी भी 1 बॉल बाकी है इस ओवर में, डी सना का आया है कप्तान, गेंदबाज साइड चेंज करते। और ये आखिरी बॉल बुमराह की इस ओवर में, 16 रन खाया माफ करना, फील्डर्स के बीच और 1 विकेट इस ओवर में कामयाब यहां बल्लेबाज। और ये 14 ओवर हुआ है समाप्त, 14 ओवर के बाद एक और बार ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है, और आप लोग भी लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना, लाइक करते रहो, भारत के लिए ही लाइक कर दो, तुम्हारा ही चैनल है भाई, तुम्हारा भाई के लिए लाइक कर दो। और चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 2000 सब्सक्राइब के करीब है, 2000 सब्सक्राइब हो जाए तो झोलो चिप का चैलेंज करेंगे भाई साहब, तुमको भी मज़ा आएगी, झोलो चिप खाऊंगा जब मैं, तुमको मज़ा आएगी बहुत। तो चलो शुरू कर दो तुम लोग सब्सक्राइब करना। और ये 14 ओवर हुआ साहब, 14 ओवर के बाद 105 100 रन पूरा हुआ श्रीलंका की। और यहाँ पे 3 ओवर हो गया है बुमराह की ख़त्म, चहल का भी 3 ओवर हुआ है ख़त्म, शमी को हुआ है 2 ओवर, 2 ओवर हुआ है बुमराह को, हार्दिक को भी 2 ओवर, और एक एक करके ओवर कराया मैंने सूर्य कुमार और विराट कोहली के से। तो चलो चहल की ओवर तो कर देते हैं संपूर्ण, और ये आखिरी ओवर होगी चहल की। गेंदबाज साइड, और ये पहला बॉल विकेट, अब गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की। और ये डॉट के साथ शुरुआत किया है चहल ने यहाँ पे, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। और ये दूसरे बॉल इस ओवर में, और ये भी डॉट, उम्दा डिफेंस, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। ये तीसरे बॉल इस ओवर की, स्टेप आउट करके डिफेंस कर दिया है बल्लेबाज ने यहाँ पे, और ये तुमको मैं देखूंगा ही नहीं, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, ये भी डिफेंस, डॉट गेंदे, 4 गेंदे और 4 डॉट बॉल चाल के द्वारा।
काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, पिच की तरफ खेल दिया है, एक रन भी नहीं, डॉट, ये भी डॉट, पांचों का पांचों गेंद डॉट। और ये आखिरी बॉल कप्तान ने अपने इस ओवर की बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। और ये भी एक रन मिलेगा, सेव, एक रन आया है इस ओवर में और काफ़ी अच्छे ओवर गया है चहल के। पहला ओवर पे 10 रन खाने के बाद काफ़ी अच्छे बॉल किया है चहल ने और दो विकेट भी लिया है अपने पूरी स्पेल पे। और ये 15 ओवर की खेल हुआ है समाप्त। 15 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर है 101 पे 5। अभी भी 5 ओवर की खेल बाकी है और देखने वाली बात होगी कितने तक स्कोर तक जाएंगे आज श्रीलंका, कितने टोटल खड़ा कर पाएंगे। और भुवनेश्वर कुमार को मैं एक ओवर के लिए लाऊंगा, एक छोर से गया है दूसरे छोर से। गेंदबाज साइड चेंज करते और ये पहला बॉल मैं ऑफ कटर के साथ शुरुआत करूं, क्या फाइन लेग की तरफ खेल देंगे क्योंकि सना का है, शायद उतना मारेंगे नहीं इसकी। और नहीं भाई, 4 रन लगाएंगे क्या, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, फील्डर है वहाँ मौजूद वहाँ पे। और एक रन मिलेगा सेफ, रन रेट 7 से घटती हुई। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, पिछले ओवर में सेव, एक रन आने के बाद ही थोड़ा रन रेट रुक गया। और ये दूसरे बॉल पे डॉट, अच्छी तरह से डिफेंड किया, काफी संभल। और ये बल्लेबाज लंबी इनिंग, तीसरे बॉल इस ओवर की, और ये एक रन मिल जाएगी आसान सा, क्या 2 रन के कॉल लगाएंगे, और 2 रन भी कॉल लगाएंगे और मिल भी जाएंगे 2 रन। 3 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, और ये डॉट गेंद, अच्छी गेंद और सेफ्टी के साथ खेला, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। पांचवी बॉल, और ये एक रन खेला, एक रन के लिए अब तक 4 रन आया है 5 गेंदों में। और आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन, सोलह ओवर हुआ है समाप्त। 16 ओवर के बाद 106 पे 5 श्रीलंका का स्कोर है इस वक्त। और सामी के लाऊंगा एक चोट से, इस गेंदबाज अटैक में सामी ने एक ओवर 2 ओवर किया था, 14 रन दिया और एक विकेट भी मिली सामी को। और यहां पे चलो सामी को शुरुआत करते हैं, पहला ओवर पहला बॉल इस ओवर के। और ये देखो 4 रन लगा दिया है पहला बॉल पे, स्वागत किया है सामी को 4 रन लगाते हुए। और ये फाइन लेग की तरफ से खेल रहा है 4 रन। अंतिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये देखो भाई डॉट गेंद करके सुरक्षित तरीके से खेला इसको, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज लंबी। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, ये भी डॉट गेंद, 3 गेंदों में 4 रन इस ओवर में अब तक आया है और 110 रन हो चुके हैं पार्टनरशिप 10 रन की, काफी संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, और ये भी डॉट गेंद, इसके बीच के गैप ढूंढने में नाकामयाब यहां बल्लेबाज। आखिरी के 2 बॉल बाकी है इस ओवर में। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, थोड़ा रूम बनाया पीछे की तरफ खेला, एक रन मिलेंगे।
और ये ठीक टाइम पे बैकअप किया है, और ये 5 रन इस ओवर में अब तक आया है 5 गेंदों में। धीमी गेंद इस पिच पे अच्छा विकल्प हो, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, और भी रूम बनाया और डिफेंस कर दिया है। ओवर की समाप्ति 17 ओवर हुआ समाप्त। 17 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर है 1-1, 1 पे 5, 111 पे 5, और थोड़ा सा बॉलिंग का स्कोर कट चाल को हो गया है संपूर्ण। अब सिर्फ तेज गेंदबाजी का ही गेंदबाजी बाकी है, तो शायद यहाँ पे 3 ओवर में 28 खाया है 3 ओवर में बुमराह, और 3 ओवर में 19 खाया है शमी, भुवनेश्वर कुमार खाया है 13, तो बुमराह को इसके बाद भुवनेश्वर राखड़ में शमी को लेकर आएंगे, तो बुमराह को उनके आखिरी ओवर दे ही देता है। और ये पहला बॉल इस ओवर की, विकेट अब गेंदबाजी करेंगे, और ये फाइनल की तरफ खेल गया है 1 रन के लिए, और मिल भी जाएंगे 1 रन। पहला बॉल पे मिल गया है 1 रन, और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी 1 रन मिल जाएगी आसान सा, और ये देखो मिस फील्ड कर दिया है भाई। के एल राहुल का क्या हुआ है भाई, मिस फील्ड कर रहा है 2-3 बार मिस फील्ड, तो ओवर थ्रो में 4 रन दे दिया भाई, इंडिया का हो गया है शायद। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की उठा दिया है 1 रन के लिए, सामने की तरफ खेला था 114 पे 5 अब तक स्कोर है श्रीलंका की। और ये सीधा बॉल दिया एकदम सीधा, 4th बॉल इस ओवर की, और ये 1 रन के लिए खेल दिया है, और दूसरे रन भी प्राप्ति हो जाएगी। पांच रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स, और ये 5वीं बॉल इस ओवर की, थोड़ा रूम बनाया उठा दिया है, और 1 रन ही होंगे, बहुत अच्छे फील्डिंग किया है वहां पे फील्डर ने। और आखिरी बॉल इस ओवर की, बढ़िया फील्डिंग, गेंद पे चार्ज किया फील्डर ने, आखिरी बॉल इस ओवर की, क्या कैच पकड़ लेंगे, या रिकॉर्ड विकेट का पतन हो गया है श्रीलंका की, और दूसरे सफलता मिला है बुमराह को। काफी किफायती ओवर, सना का आउट है 10 रन बनाकर 16 गेंदों में, और ये रिप्ले काफी दिलचस्प होगी देखने को। फंसाया है अपने चक्रव्यूह में बोला नहीं, अरे भुवनेश्वर कुमार के एक आसान सा कैच, और ये 18 ओवर हुआ समाप्त। 18 ओवर के बाद 117 पे 6, और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को मैं लेकर आऊँगा आखिरी ओवर कराने के लिए उनका, अभी भी 2 ओवर तो बाकी है, इसके बाद एक ही बचेगा। और ये पहला बॉल इस ओवर की भुवनेश्वर कुमार की, 3 ओवर पे 13 रन दिया है, और ये पहला बॉल पे 1 रन मिल जाएगी आसान से। रन रेट 6.5 की तरफ ही है, और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, थोड़ा पावर ज़्यादा हो गया, पीछे की तरफ खेल दिया है, और ये 2 रन मिल जाएंगे शायद, 3 रन दौड़ लगाएंगे, और 3 रन भी प्राप्ति होंगे यहाँ पे, 1 रन बचा इतना हेला दुला कर अपने टीम के लिए। किसी भी फॉर्मेट में
और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी चार रन नहीं दो रन ही होंगे यहाँ पे भी। काफी बाहर थ्रो किया है, खिलाड़ी जल्दी से बैकअप करने के लिए आए थे, हर रन की अहमियत समझते हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। और ये चौथे बॉल इस ओवर की, ये भी पिच की तरफ फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, एक रन मिलेंगे शायद। ये भी काफी बाहर थ्रो, चार गेंद हो चुके हैं इस ओवर में, अब तक आया है 7 रन। ये पिच मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्लेबाजी और गेंद। और ये पांचवी बॉल इस ओवर की, फर्नांडो है स्ट्राइक पे, और ये एक रन मिल जाएंगे, 8 रन आया है इस ओवर में अब तक, और एक बॉल और बाकी है भुवनेश्वर कुमार की। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन, 9 रन आया है इस ओवर में, 19 ओवर हुआ है समाप्त। 19 ओवर के बाद 126 पे 7, हाँ स्वामी को लेकर आऊँगा फिर से एक और बार, 7 नहीं माफ करना, 126 पे 6। और ये आखिरी ओवर, गेंदबाज साइड चेंज करते हुए पहला बॉल स्वामी की इस ओवर में, 3 ओवर पे 19 दिया था और 1 विकेट। और ये पहला बॉल इस ओवर में फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, कोई रन नहीं, डॉट गेंदे के साथ शुरुआत किया है ओवर को। स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की, उठा दिया है पीछे की तरफ, पर एक रन मिलेंगे, उतना टाइमिंग अच्छे से नहीं हुआ इसलिए कैच नहीं हुआ, और काफी बाहर थ्रो किया था। फर्नांडो आया है स्ट्राइक पे, और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, अब तक 2 गेंदों में आया है 1 रन, और तीसरे बॉल पे उठा दिया है, ये भी 1 रन मिलेंगे। स्लोअर का ट्राई करता हूँ यहाँ पे, और ये 4th बॉल इस ओवर की, उठा दिया है पिच की तरफ और लगा देंगे 6 रन। स्लोअर गेंद पे 6 लगा रहा है भाई, शायद पढ़ लिया था स्लोअर गेंद आएगी इसलिए 6 रन लगा दिया है। और ये देखो 5वीं बॉल इस ओवर की, इसके साथ 134 पे पहुंच गया, और ये भी 4 रन, शायद आज 140 के ऊपर ही टारगेट होगी। और एक बॉल बाकी है अभी भी, ये रही पारी की आखिरी गेंद आपके सामने, और आखिरी बॉल पे कितना रन आएंगे इस बार। रन बनाया पीछे की तरफ गेला, और ये कैच नहीं पकड़ेंगे, 1 रन, 140 के ऊपर नहीं, 140 ही होगी रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। और ये 20 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 20 ओवर के बाद श्रीलंका ने बनाया है 139 पे 6, और सर्वाधिक स्कोर बनाया है फर्नांडो, अभी भी नॉट आउट है 33 रन बनाकर। और उसके बाद निकिसा ने बनाया है 26, और 29 बनाया है राजपक्षे ने। और ये है बॉलिंग का स्कोर कार्ड, आप देख ही सकते हो, 4 ओवर सभी गेंदबाज को किया कराया है मैंने, 2 विकेट बुमराह ने लिया, 2 विकेट लिया चहल ने, और 1 विकेट लिया शमी, और हार्दिक पांड्या ने भी 1 विकेट लिया था। और ये है पहला इनिंग्स की समाप्ति, यहाँ पे करते हैं पहला इनिंग्स की समाप्ति। आप लोग लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना, भूलिया मत लाइक करने को, और जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो,
शुरुआत करते हैं दूसरे इनिंग्स को। यहाँ पे बात करते हैं इस रन चेस को, भारत को जीतने के लिए चाहिए 120 गेंदों में 140 रन। और शुरुआत करते हैं दोनों ओपनर के, राहुल और रोहित शर्मा। आज देखने होगी कैसे खेलते हैं दोनों ओपनर्स भारत की। और ये फील्डिंग टीम वापस आती हुई और दोनों ओपनर आ गया है, रोहित शर्मा और राहुल। और आज मैंने किट भी थोड़ा सा चेंज किया है, आज नया किट लेकर आया है, जेएम की बैट, जेएन की। और ये देखो आप सभी लोग देख सकते हो राहुल की T20 आई आंकड़े। और ये पहला बॉल इस ओवर की, और पहला बॉल पे बैक फुट पे पंच करने गए थे राहुल ने, पर बाहर बहुत ही बाहर बॉल किया है। और ये पहला रन मिल गया है और ये दूसरे रन की प्राप्ति होगी। और ये दो रन के साथ भारत की खाता खुला है राहुल को भी। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, और ये भी एक रन मिल जाएगी। और यहाँ पे एक और दो रन लगा दिया है क्या, ट्राइक तो लगाया है, शायद नॉट आउट ही है, कोई तकलीफ नहीं। यस, और दो बॉल पे, तीन बॉल पे चार रन, दो दुक्का लगा चुके हैं दोनों। और ये मिस एक और बार करते हुए, और ये कवर की तरफ पलने गई। और ये देखो डॉट गेंद एक और, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, क्या ये विकेट ले पाएंगे, चलिए देखते हैं। और ये एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, और पहला ओवर की समाप्ति। पहला ओवर पे आया है सेफ चार रन। और अब दूसरे छोर से दूसरे फास्ट बॉलर को लगाया है श्रीलंका ने। और रोहित शर्मा की आंकड़े, स्ट्राइक रेट 140 की। बड़े शॉट मारे, और ये पहला बॉल खेलेंगे रोहित शर्मा। पहला बॉल पे लग गया क्या शरीर के अंदर, बॉल जाकर लग गई और रिकॉर्ड 107 के ऊपर चल गए भाई। पहला ओवर से 7 रन के ऊपर रिकॉर्ड 100, क्या करेगा बल्लेबाज। और उठा दिया है रोहित शर्मा, और मिलेगा 6 रन के साथ अपना खाता खुला है रोहित शर्मा। दूसरे बॉल पे लगा दिया है एक छक्का, 6 रन लगा दिया है रोहित शर्मा ने यहाँ पे। क्या बढ़िया खेला है कौन, और रोहित शर्मा का पहला बॉल से अटैकिंग मूड पे लगता तो है। ये पिच मेरे, और ये दूसरे तीसरे बॉल इस ओवर की, और ये एक रन आसान सा ले लेंगे। स्ट्राइक भी रोटेशन किया अच्छे तरीका से, और ये चौथे बॉल इस ओवर की, इस बार उठा दिया है केएल राहुल ने। और एक और छक्का भाई, चौका का कोई बड़ी नहीं लगता है, सिर्फ 6 रन लगाते हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार लगा दिया है केएल राहुल ने इस बार छक्का कवर के ऊपर से। और ये भी देखो रिप्ले में 92 मीटर की 6 लगा दिया है सामने की तरफ गेंद का, और लगा दिया है एक 6 रन। रिकॉर्ड 100 अभी भी 6.5 के ऊपर है। है
एक और वह पुल किया है और एक और छक्का लगा दिया है पीछे की तरफ और एक और 6 रन आ गया है केएल राहुल की बल्ले से। एक और छक्का इस ओवर को बड़ा ओवर में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज आपस में। ये भी 91 मीटर की 6 लगा दिया है और 3-6 आ चुके हैं इस ओवर में। एक बड़ा ओवर तो हो ही गया। एक और उठा दिया है ऊपर गई गेंद और 6 रन भी प्राप्ति होगी। 4-6 लगाया है इस ओवर में, 3-6 लगाया है केएल राहुल और 1-6 रोहित शर्मा ने और एक बड़ा ओवर में कन्वर्ट कर दिया है इस ओवर को। पहले ओवर से सिर्फ 4 रन आए थे, उसके बाद इस ओवर में बहुत ही बढ़िया ओवर में किया है, 25 रन आया है इस ओवर में। एक और 6 लगा दिया है, 4 छक्का लगाया है भारत की दोनों बल्लेबाज ने और केएल राहुल आज शायद फॉर्म में है और होना भी चाहिए। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 29 पे, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। और ये देखो भाई, इनको भी पानी, भाई जो जो ये इस साइड में रहता है उनको ही पानी पीना काहे का आता है बाबा, हमको तो नहीं इतना मालूम। क्या तुम लोगों को मालूम है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। रोहित शर्मा है स्ट्राइक पे इस बार और लगाया है बाहर की तरफ। एक और बार उठा दिया है, 4 रन मिलेगा इस बार और ये पहला 4 रन भाई, 4 छक्का खाने के बाद ये पहला चौका भी है इस ओवर इस इनिंग्स के। और ये रोहित शर्मा के बल्ले से आया है इस बार पहला 4 रन। पहला 6 भी उन्होंने ही मारा और पहला 4 भी इन्होंने ही मारा है। और ये शायद आज सुपर हिट शर्मा की अवतार में आया है। बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। और ये दूसरे बॉल इस ओवर की और ये बोल्ड भाई, बीट को पहचान नहीं पाया बॉलिंग को। और ये फेयरलेस सेलिब्रेशन देखो भाई इनका। और ये 11 रन करके वापस जाती हुई नया बल्लेबाज विराट कोहली। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, यहाँ पे अच्छे रिदम में लग रहे हैं। ओहो, वाइट होना चाहिए तो, पर नहीं, पहला बाउंसर दे दिया है अंपायर ने यहाँ पे। गेंदबाज 4 रन अब तक आया है और 1 विकेट 3 गेंदों में। 1 रन के साथ खाता खोला है विराट कोहली ने यहाँ पे। स्टंप्स के बहुत करीब थी ये थ्रो, बढ़िया फील्डिंग। 5 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में और क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं। ओहो, ऊपर उठ गई और ये पीछे की तरफ का जा रही है और शायद 3 रन ले लेंगे यहाँ पे और 3 रन की प्राप्ति होगी। एज पे जाकर लगी है बॉल और 3 रन और ये नो बॉल भी है भाई, शाबाश, होना भी चाहिए। पहला बाउंसर दिया था और ये देखो नो बॉल कर गया और ये फ्री हिट। क्या फ्री हिट को उपभोग कर पाएंगे कोहली ने यहाँ पे, और नहीं तो नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे बॉल किया है। आखिरी बॉल इस ओवर की, फ्री हिट कन्वर्ट नहीं कर पाए और ये शायद एक और फ्री हिट होगी, नो बॉल होगी भाई। नहीं, ये तो भाई होना चाहिए था पर नहीं। 3 ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर के बाद 38 पे 1 भारत का स्कोर है। 1 विकेट भी गिर गया है भाई रोहित शर्मा के रूप में। और ये 4th ओवर की शुरुआत, राहुल है स्ट्राइक पे। और ये बाहर जाकर मारना चाहती थी
पर चतुराई गेंदबाजी, फिर से एक और बात देखने को मिली हम सभी को। और ये दूसरे वॉलिस ओवर की इस बार भी मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई, पास बॉल बैट के बीच से बॉल जाकर निकल गई शायद। इस बार और परेशान नहीं करना चाहिए। और ये गैप में खेल जाए एक रन के लिए और मिल भी जाएगा एक रन। अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठिकाने पे। स्ट्राइक पे है विराट कोहली, अब तक एक रन आया है इस ओवर में। और ये भी अच्छा एक रन मिल जाएंगे। वाइड थ्रो खिलाड़ी द्वारा, और ये पांचवी बॉल इस ओवर की। और ये भी गैप में खेला एक रन के लिए और मिल भी जाएगा एक रन। तीन रन अब तक आया है पांच गेंदों में। आखिरी बॉल इस ओवर की, उठा दिया है और चार रन मिल जाएगी विराट कोहली को। इस बार विराट कोहली ने मारा है इस शॉट को और चार रन की प्राप्ति होगी। बल्लेबाज ने काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन, कोई भी नहीं था वहां पे, इसलिए चार रन, एक आसान सा चार रन विराट कोहली की बल्ले से आ गया है। सेव दिशा दिखा दिया बॉल को और चार रन मिल गया। और इसके साथ चार ओवर भी समाप्त हुआ। चार ओवर के बाद भारत का स्कोर है 45-1। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 96 गेंदों में। और ये देखो भाई पावर प्ले की आखिरी दो ओवर चढ़े इस वक्त, और ये एक रन आसान सा मिल जाएंगे खिलाड़ी द्वारा। विराट कोहली गया है अब स्ट्राइक पे, क्या इस बार ट्राई करेंगे विराट कोहली एक शॉट लगाने की, देखने वाली बात होगी। और ये कैसा शॉट खेला भाई, अता पता नहीं है इस शॉट की। गेंदबाज अच्छी लय में लग रहे हैं, क्या ये विकेट ले पाएंगे, चलिए देखते हैं। और उठा दिया है और चार रन मिल जाएगी यहाँ पे। इसी शॉट को खेलना चाहिए था पिछले बॉल पे, पर नहीं खेला, पर इस बार सही टाइमिंग कर दिया है, रूम बनाया और आखिर में बैक फुट में लगा दिया है इस चौके को। क्या लाजवाब शॉट था, रीप्ले में। और कोई भी फील्डर नहीं था मौजूद वहां पे, इसलिए चार रन मिलेगा बल्लेबाज को। और ये फिर से दोनों कमेंटेटर गुप्तगु कर रहा है आपस में कमेंट्री छोड़कर। जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ 10 रन पे पहुंच गया विराट कोहली का स्कोर। और एक और बार उठा दिया है, एक और चौका लगा दिया है इस ओवर में। इस बार से दिशा दिखा दिया गेंद को और चार रन के लिए मिल भी गया चार रन। सिर्फ दिशा दिखा दिया गेंद को, यहाँ पे भी कोई फील्डर मौजूद नहीं था और मिल गया है चार रन। गेंदबाज को अपनी लाइन एंड लेंथ में थोड़ा अनुशासन दिखाना होगा। उम्दा बॉलिंग भाई, उम्दा बॉलिंग। बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बाद कुमारा की एक उम्दा बॉलिंग देखने को मिली हम सभी को। ओहो, एक और बॉलिंग, शॉर्ट पिच बॉलिंग एक और। और ये पांच ओवर हुआ समाप्त। पांच ओवर के बाद 54-1 भारत का स्कोर है। और ये विराट कोहली 14 पे खेल रहा है और लोकेश राहुल खेल रहा है 28 रन पे।
स्पिनर आया और स्पिनर को लेकर आया है हसरंग का है स्पिनर। और ये पावर प्ले के आखिरी ओवर होंगे और इस ओवर में थोड़ा सा रन बटोर लिया जाए, जितना हो सके उतना ही रन बटोर लिया जाए। तो कोशिश करूँगा जितना रन हो सके उतना रन करने को, शायद चार तो नहीं मिलेगा पर तीन रन मिल जाएगी, एक कम तीन रन मिल गया है यहाँ पे। और काफ़ी बाहर क्या है ये थ्रो को, और आप स्ट्राइक पे आ गया है विराट कोहली। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के, ओहो हो सही टाइम पे स्ट्रोक किया था पर नहीं, भाग्गा ने साथ दिया। एक रन मिल जाएंगे और दूसरे रन की दौड़ भी लगेंगे, दूसरे रन की भी प्राप्ति होंगे। रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 5.5 की ऊपर। और ये भी एक रन और दो रन भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये काफी अच्छे ओवर अब तक की है और ये 6 रन लगा दिया है विराट कोहली ने यहाँ पे। काफी टाइम तक रोक के तो रखे थे पर इस बार नहीं, थोड़ा लेंथ को पीछे किया और लगा दिया है 6 रन इस बार विराट कोहली ने। और एक लंबा शॉट लगाया है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था वहाँ पे और सेफ दर्शक बन गया है फील्डर। एक 6 रन आसान सा विराट कोहली के लिए, थोड़ा सा फील्डिंग दिलचस्पी लगाया है। इस बार कवर के ऊपर से लगा दिया है 6 रन, एक और छक्का इस ओवर में, दो छक्का आया है इस ओवर में भाई। गजब का बल्लेबाजी कर रहा है इस वक्त विराट कोहली ने, दोनों बल्लेबाज भाई काफ़ी टाइमिंग से खेल रहा है। और विराट कोहली पिछले दो मैच इतना खास नहीं गया था इसलिए, और ये एक अच्छे रन और ड्रिंक्स ब्रेक, ओवर भी समाप्त, 6 ओवर की पावर प्ले हुआ ख़त्म और इसलिए ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है। और तुम लोग भी लाइक कर दो, जिन जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, तुम्हारा ही चैनल है तो लाइक तो बनता ही है। अगर दिल से इंडिया के लिए शेयर करना चाहिए तो एक लाइक बनता ही है भाई, एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक शेयर, सब कुछ एक पर टिका है। और हम लोग जीत जाएंगे शायद एशिया कप, तो तुम लोग भी लाइक कर दो जिन जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया। और ये 6 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 6 ओवर के बाद स्कोर है 73-1, काफ़ी आगे तो है। और एक और बार स्पिनर पा रहे, इस बार तो थोड़ा सा फील्ड खुल गया इसलिए एक दो सिंगल डबल, अब सिंगल डबल थोड़ा देखने को मिलेगा सभी को। और ये एक रन मिल जाएगी आसान सा के राहुल, खिलाड़ी द्वारा 17 बॉल पे 32 खेलने के लिए क्रीज का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। ओहो क्या आउट हो गई भाई, अंपायर ने नहीं दिया आउट, क्या रिव्यू के लिए जाएंगे। नहीं गया रिव्यू के लिए, धीमी गेंद इस पिच पे अच्छा विकल्प हो। और ये एक रन मिल जाएगी आसान सा, खूबसूरत थ्रो, बिल्कुल स्टंप्स के 3 बॉल पे 2 रन आया है इस ओवर में अब तक। और ये भी एक रन मिल जाएंगे, रोटेशन कर रहे हैं 4.5 के ऊपर।
इसका रिकॉर्ड रन रेट चल रहा है। और ये भी एक रन मिल जाएंगे, अच्छा थ्रो फील्डर का, एक एक रन हो रहा है इस बार। और यहाँ पे भी मिल जाएगा एक रन स्टंप्स के बहुत करीब। और ओवर की समाप्ति शायद, यस ओवर की समाप्ति, सात ओवर हुआ है यहाँ पे समाप्त। सात ओवर के बाद 78/1 भारत का स्कोर, भारत का भी आगे है भाई। लगता है चमीरा आया है, चमीरा आया है दूसरी छोर से। हसरंगा की इतना मारा है, उनको रोक कर रखी। और ये बाहर जाती बॉल, बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे। इस ओवर की दूसरे बॉल और ये भी बाहर, इतना नीचे। अरे बड़ा शॉट का, मैं तो स्ट्रोक चला रहा हूँ यार, तुम लोग कमेंटेटर ना कुछ भी कहते हो कुछ भी। और एक रन ही मिलेंगे, अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठिकाने पे। और ये इस ओवर में सेव अब तक एक रन आया है तीन गेंदों में। लग रही है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की। और ये भी एक रन मिल जाएगी आसान सा। और ये देखो भाई मिसफील्ड किया है। और यहाँ पे एक और रन जोड़ लीजिए। खराब फील्डिंग, ना खुश होंगे अपने आप से। और ये एक रन, अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं, स्टंप्स के बहुत करीब थी ये थ्रो, बढ़िया फील्डिंग। और ओवर की आखिरी बॉल, हो पीछे की तरफ लग गई। और दो रन की प्राप्ति होगी सात से, यस दो रन मिल गया है। और इस ओवर पे आया है छः रन और पार्टनरशिप भी पूरा है 51 रन की 35 गेंदों में। और ये आठ ओवर हुआ है पूरा, आठ ओवर के बाद 84/1 स्कोर अब तक। हसरंगा को फिर से लेकर आया है, इस बार तो मैं नहीं मार पाऊंगा क्योंकि फील्डर खुल गया है इस बार। ओहो सीधे खेल दिया था, कोई रन नहीं डॉट गेंदे। एक रन मिल गया है, बढ़िया थ्रो स्टंप्स के बेहद करीब, स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए। और ये तीसरे बॉल इस ओवर की, और बॉलिंग भाई बॉलिंग क्या, इसका बॉलिंग डाला बहुत अच्छे बॉलिंग किया इस बार। बल्लेबाज पिछली गेंद पे बड़े अनकंफर्टेबल लगे। और ये भी एक रन, नो भाई रुक, सही टाइम पे वापस भेजा नहीं तो एक और झटका लग जाती भारत को। और गैप में खेला, क्या दूसरा रन चुरा पाएंगे। और दो रन शायद यहाँ पे मिल जाएंगे, यस दो रन भी प्राप्ति होगा। देखना होगा क्या गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद की कोशिश। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, अच्छा शॉट, दो रन मिल सकते हैं यहाँ। और ये शायद दो रन मिल जाए, मिल गए। इस ओवर पे आया है छः रन और ये हुआ नौ ओवर की खेल समाप्त। नौ ओवर के बाद भारत का स्कोर है 90।
10 रन प्रति ओवर शायद चल रहा है क्या। 9 ओवर में 90, एक विकेट खोकर। और ये देखो भाई, इनको पीना है पानी। ओहो, मिस बॉल, पहला बॉल पे डॉट। और अभी भी 50 रन चाहिए 65 गेंदों में, वो जाना तो चाहिए। और यहाँ पे एक रन मिल गया। और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे। और बाहर जाती गेंद को, मारना चाहती थी जोर से, पर संपर्क नहीं हुआ बैट बल्ले से, बल्ले गेंद से कोई संपर्क नहीं है। ठीक से टाइम नहीं। और ये एक रन। नो भाई, क्या कर रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं, सही टाइम पे वापस भेजा। आज दो बार बच गया। और यहाँ पे भी एक रन मिल जाएंगे इस बार, ये ओवर थ्रो में एक रन मिल जाएंगे। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की। और ये एक रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। खूबसूरत थ्रो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर। और ये 10 ओवर हुआ है समाप्त। 10 ओवर के बाद 95 पे 1, इस ओवर पे आया है से 5 रन। और ये दोनों बल्लेबाज गुप्तगु करते हुए आपस में। फोर्टी रन चाहिए अभी भी 60 गेंदों में, पर दोनों बल्लेबाज एकदम आसान सा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं। और ये पहला बार डॉट गेंदे, पहला बॉल पे। और एक रन मिल गया आसान सा। एक एक करके रन ले रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, कोई बाउंड्री नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, उतना रन भी बचा नहीं है, इसलिए आराम से दोनों बल्लेबाज खेल रहा है इस वक्त। और यहाँ पे भी एक रन पुश कर दिया है विराट कोहली ने। अभी भी 43 रन चाहिए 57 गेंदों में। और ये इस ओवर की चौथे बॉल। और ये भी सिंगल मिल जाएगी आसान सा, 3 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए क्रीज का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं ये। क्या इस बार विराट कोहली उठाएंगे? उठा दिया है, काफी टाइम से रोक कर रखी थी अपने को, और इस बार नहीं रोक के रखेंगे। हाथ खुल दिया है एक 6 रन के लिए। और एक खराब गेंदबाजी को चुना है बल्लेबाज ने, यहाँ पे थोड़ा ऊपर था और एक छक्का लगा दिया है आसान सा। काफ़ी टाइम है और लगा दिया है 6 रन इस ओवर पे। 9 रन आ चुके हैं 5 ही गेंदों में, अभी भी एक बॉल बाकी है। और ये 10 रन की ओवर आ चुके हैं पहला बॉल पे। और ये मिस फील्ड के चलते एक और रन मुफ्त की मिल गई। और ये 11 रन की ओवर हो गया इस बार। और ये 50 रन शायद पूरा हुआ विराट कोहली की। और 30 गेंदों में 50 रन बनाया है विराट कोहली ने, 3 छक्के
के और 3 चौका लगाया है इस इनिंग्स पे। और 11 ओवर हुआ है समाप्त, 11 ओवर के बाद 106 पे 1। विकेट 3.5 के ऊपर है अभी भी, मगर शायद स्ट्राइक पे है अब केएल राहुल। पहला बॉल 1 रन और ये मिसफील्ड के चलते एक और रन मिल जाएगी यहाँ पे। बहुत मिसफील्ड हो रहा है भाई, बहुत मिसफील्ड हो रहा है, शायद पेसर नहीं ले पा रहा है और मिसफील्ड के चलते मिल गया है 1 रन और यहाँ पे भी मिल जाएगी 1 रन। अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठीक। 2 बॉल पे आ गया है 3 रन, विराट कोहली है स्ट्राइक पे। पारी में तब्दील कर पाएंगे, चलो देखते हैं। आखिर पे टाइम पे लगाया है 1 रन और यहाँ पे भी मिस फील्ड भाई। 2 रन यहाँ पे भी मिल गया है, बढ़िया मिस फील्ड कर रहा है श्रीलंका वालों ने। खराब फील्डिंग और ये 29 रन चाहिए अभी भी 51 गेंदों में। ओहो व्हाट अ गेंद, व्हाट अ बॉलिंग किया है बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने यहाँ पे। बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे। और 1 रन आसान सा सिंगल के लिए खेल दिया है विराट कोहली ने और काफी सही शो किया था। और आखिरी बॉल इस ओवर की, ओहो हो ओवर की समाप्ति। 12 ओवर के बाद 112 पे 1। हसरंगा को लेकर आया है अपनी आखिरी ओवर के लिए। चलिए देखते हैं, पहला बॉल पे सिंगल लगा दिया है विराट कोहली ने यहाँ पे। और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे, देखना होगा क्या गेंद। अभी भी 27 रन चाहिए 47 गेंदों में। और इस बार केएल राहुल ने खेला है 1 रन के लिए और मिल भी जाएगा 1 रन। ये थ्रो विकेट से दूर थी, ये पिच मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की। और यहाँ पे भी मिल जाएगी 1 रन। बल्लेबाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं। क्या इस बार केएल राहुल लगा पाएंगे एक शॉट? उठा दिया है, काफी ऊपर गई, नीचे फील्डर है और पकड़ भी लेंगे। भारत का गिर गया है 2रा विकेट और केएल राहुल ने अपना 50 रन पूरा नहीं कर पाया, 48 रन बनाकर आउट हो गया है 37 गेंदों में। एक अच्छे इनिंग्स खेल तो गया है और टाइमिंग सही से नहीं हुआ और ये विकेट गिर गया है। सूर्या कुमार यादव को लगवाएंगे 4 नंबर पे। नए बल्लेबाज को स्ट्राइक, अभी भी 25 रन चाहिए कप्तान। और ये 1 रन, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। नया बैट्समैन सूर्या कुमार यादव 164 की स्ट्राइक रेट। पहला बॉल पे सिंगल निकाल लिया और मिल गया है 1 रन। वाइड थ्रो खिलाड़ी द्वारा और ये ओवर की समाप्ति। 13 ओवर के बाद 117 पे 2। पिछले ओवर पे के राहुल के विकेट गिर गया था। सूर्य कुमार और विराट कोहली क्रीज पे है और विराट कोहली अभी भी खेल रहा है 56 रन पे।
उठा दिया है ऊपर, और ये नॉन स्टॉप प्लेयर है भाई, 4 रन लगा दिया है इस बार। एक बाउंस चौका, शायद और थोड़ा टाइम होती तो ये भी 6 रन हो जाती। और 88 मीटर की 6 लगाया, चौका लगाया, 6 की डिस्टेंस दिखा रहा है, और शायद छक्का ही है भाई, मैंने देखा नहीं, पर चार दिया है। बल्लेबाज को यहां पता नहीं भाई, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। और एक और बार उठा दिया, काफी ऊपर गई है, पीछे फील्डर है, पर जट तक बनते रह जाएंगे। एक और चौका, एक और 4 रन लगा दिया है, आक्रमणक तक तरीका से खेल रहा है इस बार सूर्य को मजा तब नहीं यहाँ पे। ये दूसरे 4 इस ओवर में, साधारण गेंदबाजी, और देखा आपने बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया, बहुत ही ऊपर गई थी, एक पल के लिए लगा मुझे ये फील्डर पकड़ लेंगे, पर काफ़ी दूर फील्डर से। और एक बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस और चौका। 40 गेंदों में चाहिए 15 रन। थोड़ा अनुशासन दिखाना होगा। एक और बार उठा दिया है, पीछे फील्डर है, पर 2 रन ही मिलेंगे सिर्फ। अच्छा कवर, सही टाइम पे बैकअप किया, नहीं तो एक और रन मैं भाग जाता। स्टेडियम दर्शकों से अब तक 10 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। व्हाट अ बॉलिंग मैन, व्हाट अ बॉलिंग, बहुत ही अच्छे बॉल की आ रही है। देखो भाई इनको भी अभी भी पानी पीना है, 13 रन चाहिए अभी भी 38 गेंदों में। चलिए देखते हैं क्या ये वाइट होगी क्या। अच्छी, ओहो, छोड़ देता तो वाइट हो जाती, पर नहीं, इनको भी लगाना चाहता है, खेलना चाहता है सब गेम, हर गेम को। और ये भी डॉट, बैक टू बैक तीनों गेंदों, तीनों डॉट, बहुत ही अच्छे गेंदबाजी किया है। और ये 14 ओवर हुआ समाप्त, एक और बार ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है। और तुम लोग भी लाइक कर दो, जिन जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो कर दो सब्सक्राइब। और ओरिजिनली पे तो स्कोर मैं दे रहा हूँ हर ओवर के एंड पे ही चैट में, और तुम लोग भी कमेंट कर दो आज कौन जीतेगा, क्या लगता है भारत इस बार एशिया कप जीतेंगे या नहीं, फाइनल में पहुँचेंगे या नहीं। और 14 ओवर की समाप्ति, 14 ओवर के बाद 127 पे 2 गेंदबाजी में बदलाव, तेज गेंद, चमीरा आया है आते हुए एक बार, और ये मारने के पहले बल्लेबाज को पिच पर थोड़ा समय बिताना होगा। 17 की चढ़ा है इस बार रिकॉर्ड अंडर, थोड़ा बड़ा क्या उठाड़ा हुआ, उठा दिया है इस बार विराट कोहली, और 6 रन भी मिलेगा इस बार, कोहली का बल्ला से आया है इस बार 6 रन। और एक ऊंचा लंबा 6 लगा दिया है, बल्ले के एकदम बीचों बीच लगा है, और लगा दिया है एक छक्का, सेफ दिशा दिखा दिया, शॉर्ट बॉल थी और सेफ दिखा दिखा दिया, 104 मीटर की 6 लगा दिया है इस बार कोहली ने, किंग कोहली इज द बैक, 62 पे खेल है। क्या इस ओवर में ही ख़त्म कर देंगे, ये तो पता चल ही जाएंगे हम सभी को। उठा दिया है, पीछे फील्डर है, पर दर्शक बन के रह जाएंगे, एक और चौका, और जीत के एकदम करीब पहुंच गया, अब 3 रन चाहिए भाई। किंग कोहली ने मार मार के रन बना रहा है इस बार। और ये दूसरे बॉल पे ही 4 लगा दिया है, क्या लाजवाब शॉट था, दूसरे नहीं माफ करना तीसरे बॉल पे शायद। और ये एक चौका, अभी भी 3 रन चाहिए जीतने के लिए 33 गेंदों में। बल्लेबाज को यहाँ जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए, और 10 रन आ चुके हैं।
और ये उठा दिया है, गैप में गई और ये विनिंग शॉट है 4 रन, और भारत ने इस मैच को जीत लिया है 8 विकेट से। और ये बड़ा जीत है भारत की दृष्टिकोण से, शायद आज का मैन ऑफ द मैच भाई किंग कोहली होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो कोहली है। राहुल भी बहुत अच्छा खेला है पर अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा आउट हो गया था। और इस मैच ने भारत ने जीत लिया है, से भारत बनाम श्रीलंका की सुपर फोर की, ये भारत की दूसरे मैच से, पहला मैच हार गई थी पाकिस्तान के खिलाफ पर दूसरे मैच पे भारत ने एक आसान सा जीत हासिल कर लिया है सिर्फ 2 विकेट खोकर। 14.4 बॉल खेलने के बाद 141 रन बनाया है और के राहुल ने बनाया है 48 रन 37 गेंदों में, रोहित शर्मा ने 11 रन बनाए हैं 5 गेंदों में, विराट कोहली एक बार फिर से 70 रन बनाया है 40 गेंदों में और सूर्य कुमार यादव 11 रन बनाए हैं 7 गेंदों में। और ये थोड़ा सा बॉलिंग का स्कोर कार्ड सभी महंगे साबित हुए हैं, हसरंगा को सबसे ज़्यादा रन खाया है 4 ओवर में 41 रन खाया है और 1 विकेट भी मिला, कुमाखड़ा को 1 विकेट मिला है 3 ओवर में 22 रन खाया है और चमीरा भी 3.4 ओवर किया है 31 रन खाया है और 2 ओवर किया था करुण नाथ ने, उन्होंने भी 32 रन खाया है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं विराट कोहली, यस मैंने कहा था विराट कोहली मैन ऑफ द मैच है और आज का किंग कोहली एक और बार जल्ला दिखाते हुए 70 रन बनाया नाबाद और भारत को दिया है जीत का सफलता। और तुम लोग भी कर दो लाइक, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तुम लोग कर दो लाइक, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, भारत के लिए लाइक कर दो, किंग कोहली के लिए लाइक कर दो, के राहुल के लिए लाइक कर दो और रोहित शर्मा के सभी के लिए भी एक एक तो लाइक बनता ही है भाई लोग। और चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, 2000 सब्सक्राइब के करीब है तो 2000 सब्सक्राइब जल्दी जल्दी 2000 सब्सक्राइब कर दो। तो जोलो चिप का चैलेंज करेंगे हम लोग, कभी से बोल रहा है जोलो चिप का चैलेंज करेंगे, जोलो चिप का चैलेंज करेंगे तो तुम लोग 2000 सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो, या जोलो चिप चैलेंज देखना चाहो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो का करते हैं यही पे एंड, ओरिजिनल मैच अभी भी तो चल रहा है और ओवर के भी एंड में तो मैं दे रहा हूँ स्कोर, लाइव स्कोर आप सब देख ही सकते हो। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का एंड, आप लोग अच्छे से रहना, सुस्त रहना और हमारे साथ ही रहना। तो आपसे निता है विदा, मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर, तब तक लिया अच्छे से रहना, सुस्त रहना और हमको हमारे पास रहना एंड गुड बाय एंड गुड बाय। We'll be right back.